तो गाइस वेलकम करता हूं आपको आज की कोई नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने किस तरह 2023 में 2023 में एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। दोस्तों अगर आप 2023 में एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो जो सेटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल आपने इन्हीं सेटिंग्स को फॉलो करना है, जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रॉपर चैनल की जो सेटिंग्स होती हैं या एक प्रोफेशनल चैनल जो बनता है उसकी जितनी भी जो सेटिंग्स होती हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूं कि मैं आपको अपने पीसी में मतलब पीसी या लैपटॉप में यूट्यूब चैनल क्रिएट करना सिखाऊंगा। अब आप कह रहे होंगे कि पीसी में क्यों सिखा रहे हैं, मोबाइल में क्यों नहीं। दोस्तों पीसी में मुझे एक फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा हर एक सेटिंग को, और दूसरा ये होगा कि पीसी में जिस तरह सेटिंग्स होती हैं उस तरह सेटिंग मोबाइल में नहीं होती। दोस्तों अगर आप इन्हीं सेटिंग्स को अपने मोबाइल में करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप मोड को ऑन करके। तो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपने लैपटॉप में लेकर चलता हूँ कि आपने कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। दोस्तों मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ और आपने सबसे पहले YouTube को ओपन कर लेना है। YouTube को ओपन करने के बाद आप सबके पास पहले से ही एक Gmail अकाउंट होगा। Gmail अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्रिएट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपने यहां पर लॉगिन कर लेना है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपने यहां पर अपने इस आइकन पर क्लिक करना है, ये आपकी Gmail आ रही होगी, आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहां पर ऑप्शन होगा क्रिएट अ चैनल, आपने इस पर क्लिक करना है और आपको यहां पर ये कह रहा है कि आप अपने YouTube चैनल का आप यहां पर कोई भी नाम रख लें। दोस्तों यहां पर मैंने अपने YouTube चैनल का नाम रख लिया है। YouTube चैनल नाम रखने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूंगी, आपने अपने YouTube चैनल का वही नाम रखना है जो पहले से किसी ने ना रखा हो, मतलब या रखा हो तो कम लोगों ने रखा हो। इससे नुकसान क्या होता है कि अगर आपका YouTube चैनल का नाम कुछ ऐसा है मतलब जिससे लोग टाइटल में यूज़ करते हैं तो इससे आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आएगा, या अगर आपने ऐसा YouTube चैनल रखा है जो पहले से बहुत सारे लोगों का बना हुआ है तो तब भी आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आएगा। तो आपने ऐसा रखना है जो किसी ने पहले से ना रखा हो या कम लोगों ने रखा हो। उसके बाद ये आपको हैंडल पहले से ही बना दे के दे देगा, जिसका हम बोलते हैं एक आपका यूआरएल होता है वो पहले से ही बना के दे देगा। उसके बाद आपने क्रिएट चैनल पर क्लिक करना है। अगर आप फोटो भी अपलोड करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल की तो आप तब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपने क्रिएट चैनल पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से ही ये क्रिएट चैनल पर क्लिक किया होगा, उनको पता भी नहीं होगा, उनको यहाँ पर वो डायरेक्ट ही मेंशन कर रहा होगा, तो तब भी कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपका ऐसे पहले से ही शो हो रहा है तो तब भी कोई भी मसले की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब आपने अपने YouTube चैनल की सेटिंग्स करनी होती हैं, आपने अपने इस आइकन पर क्लिक करना है और आपने YT स्टूडियो पर आपने क्लिक कर देना है। अब YT स्टूडियो क्या होता है? YT स्टूडियो ये होता है कि आपने जब एक वीडियो अपलोड की होगी अपने YouTube चैनल पर तो उसकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं सारी वीडियोस की, कि इसने कितने व्यूज़ लिए हैं, इसकी कितनी अर्निंग हुई है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर शो करता है। आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आपके यहाँ पर ये सब बता रहा होगा, डैशबोर्ड मतलब आपने कौन सी वीडियो अपलोड की थी लास्ट टाइम और उसके कितने व्यूज़ थे। उसके बाद कंटेंट है, यहाँ पर आपकी सारी वीडियोज़ आ रही होंगी। एनालिटिक्स है मतलब आपके लास्ट 28 डेज़ में, लास्ट 7 डेज़ में, या आप जितना भी आपका यहाँ पर आप उसको सेटिंग्स करोगे वो आपको बताएगा कि आपके इतने व्यूज़ आए थे। उसके बाद आपके यहाँ पर एनालिटिक्स हैं, उसके बाद आपके कमेंट्स हैं, सबटाइटल, कॉपीराइट, ये चीज़ें आप साथ साथ सीख लेंगे जब आप अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने सेटिंग्स क्या करनी है, आपने यहाँ पर सेटिंग में आना है, आपको यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा है सेटिंग्स का, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस तरह आपको लेआउट नज़र आएगा। आपने चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर बेसिक इन्फो है कि आप किस कंट्री में रहते हो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कह रहा है कि आप यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ये चीज़ बताते हैं कि आपका जो YouTube चैनल है वो इस तरह की वीडियोस बनाएगा, इस तरह के रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं वो लॉग्स बनाता हूँ, सपोज वो लॉग्स पे क्लिक किया, लॉग लिखने के बाद आपने इंटर करना है तो यहाँ पर एक कीवर्ड ऐड हो जाएगा। आपने ट्रैवल लिखना है, ट्रैवल इंटर करेंगे तो आपका हो जाएगा। इस तरह के आप कुछ कीवर्ड जो होंगे आपने ढूंढ लेने हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख भी लेंगे तो आपने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। इससे एक फ़ायदा आपको ये भी होता है कि आपका YouTube चैनल सर्च में भी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स है, यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपका जो YouTube चैनल है वो क्या किड्स के लिए है या नहीं है। तो आप यहाँ पर जो पहले से आई वॉन्ट टू रिव्यू मतलब जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो आपसे ये पूछे कि ये किड्स के लिए है कि नहीं है। अब किड्स का और नॉट किड्स पर आपका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप येस पर क्लिक करते हैं कि ये किड्स के लिए है तो आपकी वीडियोस पर
ऐसे ऐड्स चलते हैं जो किड्स को नुकसानदेह नहीं होते, मतलब बच्चे देख रहे होते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह नहीं होते। तो आपने अक्सर नो हमें, मैं खुद नो पर क्लिक करता हूँ ताकि मुझे मेरी वीडियो पर हर तरह के ऐड्स चलें। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फीचर एलिजिबिलिटी है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जब भी आपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो आपने इनको लाजमी ऑन करना होता है। आपने यहाँ पर पहले से इनेबल है, उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट फीचर, आपने इस एरो पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर आपने वेरीफाई करना होता है। अगर आप फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं करते तो आप 15 मिनट से ऊपर की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। आप अपनी वीडियो पर थंबनेल आप साइड पर देख सकते हैं कि आप अपलोड नहीं कर सकते, जिससे आपकी वीडियो ही वायरल होती है। उसके अलावा आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। तो आपने अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ये कहेगा कि आप अपने फ़ोन नंबर यहाँ पर इंटर कर दें। आपका कंट्री पहले से आ रहा होगा, उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर इंटर कर लेना है। दोस्तों, जिस तरह आप अपनी कंट्री में कोई भी फ़ोन नंबर इंटर करते हैं, आपने वैसे ही अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आपने गेट कोड पर क्लिक करना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड इंटर कर लिया है, उसके बाद मैंने सबमिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो मेरा फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर ये मुझे शो कर देगा इनेबल हो चुका है, मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन है एडवांस फीचर का। ये पहले नहीं होता था, लेकिन अब यूट्यूब ने कुछ वेरीफिकेशन के लिए इन्होंने ऐड कर दिया है। अगर आप इनको वेरीफाई नहीं करते, इस ऑप्शन को वेरीफाई नहीं करते, टिक नहीं करते, इनेबल नहीं करते, तो आप इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप पहला वीडियो वेरिफिकेशन है कि आपने मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं तो अपने फेस को वेरीफाई करते हैं, अपना फेस दिखाते हैं कि वाकई कोई मोबाइल जो इंसान है वो यूज़ कर रहा है। और दूसरा है वैलिड आईडी, मतलब जो आपका आईडी कार्ड है आप उसको सबमिट करते हैं। मैं यहाँ पर एक्सेस फीचर पर क्लिक करता हूँ और मैं यूज़ वीडियो वेरीफिकेशन, मतलब अपना फेस को वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। और मैं यहाँ पर मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ईमेल पर एक मैसेज भेजेंगे, मैं वहाँ से इसको वेरीफाई करूँगा। तो मैं गेट ईमेल पर क्लिक करता हूँ और मैं डन पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर ईमेल आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और स्टार्ट वेरिफिकेशन यहाँ पर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन करें और इसको स्कैन करें। दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया है और आप साथ में रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल में जो आपके मोबाइल का कैमरा है, अगर इसमें स्कैनर का ऑप्शन है तो आप इसको स्कैन कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी प्ले स्टोर से स्कैनर आप डाउनलोड कर लें। स्कैन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये लिंक बनेगा, आपने ओपन पर क्लिक करना है। दोस्तों, ओपन पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल जो है वो यहाँ पर आ रही है, जो आपके यूट्यूब की है। आपने इस पर आपने यहाँ पर इंटर कर देना है और आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देना है अपनी ईमेल का। दोस्तों, पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने फेस को वेरीफाई कर लें, ठीक है। आपने नीचे जाना है और आपने यहाँ पर टिक करना है और आपने आई एग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा दोबारा नीचे जाना है और आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपने अपने कैमरे को अलाउ करना है कि आपको वो वेरीफाई करे। तो दोस्तों आपने इस तरह अपने आप को वेरीफाई करना है। दोस्तों, अपने आप को वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर भी इनेबल का ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑन हो जाएगा। तो आपने सेव पर क्लिक करना है और आपका जो वेरीफिकेशन वाला स्टेप है वो सारा आपको यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपने अपने आप को इस तरह वेरीफाई करना है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करें अपने आइकन पर और आपका योर चैनल है, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज इन चैनल, आपने इस पर क्लिक करना है। कस्टमाइज इन चैनल पर क्या होता है कि आप अपने चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ फंक्शनैलिटी जो होती है आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों आप किसी भी यूट्यूब चैनल को ओपन करते होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर उनके चैनल पर नीचे शॉर्ट्स आ रही होती हैं, नीचे पॉपुलर अपलोड्स आ रहे होते हैं या उन्होंने किसी चैनल को मेंशन किया होता है तो आ रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर ऐड सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्या चीज़ वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। आप तीन चार ऑप्शन जितने भी ये सारे ऑप्शन हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये फीचर वीडियो है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो जैसे ही कोई बंदा आपके चैनल को ओपन करेगा तो फ्रंट पर एक वीडियो आ रही होगी, जो लोग देखेंगे वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये चैनल जो है ये किस टाइप का है, तो आपको वो सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर क्या रहे कि आपकी उस वीडियो से लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, रिटर्न आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्रांडिंग है कि आपने जो है बैक पे कौन सी इमेज ऐड करना चाहते हैं। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि साइड पर अक्सर किसी की आप वीडियो देखी तो वहाँ पर सब्सक्राइब का आ रहा होता है, तो आप यहाँ पर वो आप फोटो गिफ्ट जो भी है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फोटो अगर आप अपलोड करना चाहें तो आप अपलोड कर सकते हैं। बेसिक इन्फो है, ये आपके चैनल का नाम है, ये उसका हैंडल है। अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, आपने डिस्क्रिप्शन अगर नहीं बल्कि आपने लाजमी ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन ये बताती है कि आपका चैनल किस टाइप का है,
डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो ये चीज़ समझें कि आप ये नहीं बता पा रहे होंगे कि आपका चैनल किस टाइप का है और आपका चैनल जो है वो सर्च में भी समटाइम आ नहीं रहा होता किस वजह से, डिस्क्रिप्शन की वजह से, ठीक है। और ये आपके यूट्यूब चैनल का URL है, आपके लिए कॉपी करना है, अगर आपने किसी को सेंड करना है तो ये आपके चैनल का URL है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिंक्स हैं अपने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, जिस तरह का भी आप लिंक यहाँ पर ऐड करना चाहें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ईमेल है, आप यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपने बिजनेस क्यूरी करनी है, किसी ने लिखा हो अपने अबाउट में, तो यहाँ पर वो इस जगह पर ईमेल ऐड करते हैं। यहाँ पर उनका रहा है कि अगर आपसे कोई बंदा कॉन्टैक्ट करना चाहे तो किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकता है, आप यहाँ पर वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम सेटिंग्स हैं एक YouTube चैनल की। आपने इस तरह अपने YouTube चैनल को क्रिएट करना है प्रोफेशनल तरीके से। ये एक A to Z तरीका है अपने YouTube चैनल को क्रिएट करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का आंसर दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।